हर इंसान की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। हर धर्म में और हर परंपरा में अंतिम संस्कार की विधि अलग अलग होती है। कई समुदायों में यह प्रथा बहुत ही विविध तरीके से अंजाम दी जाती है। ऐसा ही एक समुदाय है तिब्बत का बौद्ध समुदाय। यह समुदाय अंतिम संस्कार की क्रिया यानी झाटोरा या आकाश में दफनाने के लिए प्रसिद्ध है। इस क्रिया में पहले शव को शमशान लेके जाते हैं, जो कि एक ऊंचाई वाले इलाके पर होती है। वहां पर लामा बौद्ध भिक्षु धूप बत्ती जलाकर उस शव की पूजा करता है। फिर वह शमशान पुजारी, जिसे कि रोगियापस कहते हैं, उस शव के छोटे छोटे टुकड़े करता है। दूसरा कर्मचारी उन टुकड़ों को जौ के आटे के घोल में डुबोता है और फिर वो टुकड़े गिरदों को खाने के लिए डाल दिए जाते हैं। उसके बाद उन हड्डियों को इकट्ठा करके उनका चूरा बना लिया जाता है और उनको भी आटे के घोल में डुबोकर कौवा व बाज को खिला दिया जाता है। यह परंपरा तिब्बत में हजारों सालों से चली आ रही है। इस परंपरा के अस्तित्व में आने के दो प्रमुख कारण हैं। एक तो यह है कि तिब्बत इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि वहां पर पेड़ नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वहां पर जलाने के लिए लकड़ियों का सर्वथा अभाव है। और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि यहां जमीन बहुत पथरीली है, उसे 2-3 सेंटीमीटर भी नहीं खोदा जा सकता, इसलिए वहां पर शवों को दफनाया भी नहीं जा सकता। तिब्बत के अधिकतर लोग विरज्यवान बौद्ध धर्म को मानते हैं, जिससे कि आत्मा के आगमन की बात कही जाती है, जिसके अनुसार शरीर से आत्मा के निकलने के बाद वो एक खाली बर्तन है, उसे सहज के रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वह लोग इसे परिंदों को खिला देते हैं। दूसरा कारण यह है कि वह यह मानते हैं कि दफनाने के बाद भी लाश को कीड़े मकोड़े ही खाते हैं, इसलिए इससे बेहतर यह है कि वो इस लाश को परिंदों को खिला देते हैं। चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह प्रथा बहुत ही खतरनाक और दिल दहलाने वाली है। जब तक परिंदे उस लाश को खा रहे होते हैं, तब तक उसके परिजन वहीं रहते हैं और उसका अंतिम संस्कार होता हुआ देखते हैं। इस क्रिया को यह लोग आकाश में दफनाना कहते हैं। अब आप यह देख सकते हो कि कितनी बुरी तरीके से यह क्रिया अंजाम दी जाती है। इससे डर लग जाना कोई आम बात नहीं है, लेकिन बौद्ध भिक्षु और यहाँ के लोग इस प्रथा को अंजाम देते हैं और हजारों सालों से इस प्रथा को अंजाम देते हुए आए हैं। यह प्रथा इनके पूर्वजों से चली आ रही है और आज भी इसको अंजाम दिया जा रहा है। दोस्तों, आप इस प्रथा के बारे में क्या सोचते हो, हमें कमेंट में करके जरूर बताएं। और अगर आप नए हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले।